अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। तो इंडिया से सऊदी अरब आने के लिए एयरपोर्ट में क्या क्या चेक हो रहा है? क्या हमको कोरोना जो हम वैक्सीन लिए हुए हैं उसका पेपर क्या साथ में रखना चाहिए? क्या वो चेक होता है? ठीक है ना। और क्या क्या होता है एयरपोर्ट में आपको मैं पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो भैया, मेरे को इंडिया से सऊदी अरब आए हुए अभी को 6 दिन हो गया है, तो मैं आज जा करके आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और जिस ऑफिस से काम कराया था वहाँ भाई साहब ने क्या है ऑनलाइन कर दिया था। तो देखो, ये एरिवल रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर आप देख सकते हैं, एरिवल रजिस्ट्रेशन ये करके दिया है भाई ने। आने से 2 दिन पहले ये करना होता है। पता नहीं है फ्लाइट्स के ऊपर डिपेंड करता है या यहाँ की गवर्नमेंट बोली है, ऐसा कुछ क्लियरली बताया नहीं था भाई ने, लेकिन इन्होंने एरिवल रजिस्ट्रेशन किया है क्योंकि ये वो बोले एयरपोर्ट में जो है ये चेकिंग होएगा। तो इसका पेपर का तो कोई वहाँ सवाल नहीं हुआ। मैं जैसे एयरपोर्ट गया, एयरपोर्ट जाने के बाद मैं अंदर गया, जाने के बाद वहाँ पर बोर्डिंग करना होता है। बोर्डिंग पे अपना लगेज ज़्यादा मत लेकर के आइए, थोड़ा बहुत ज़्यादा रहेगा तो चलेगा, जो भी लगेज होता है वो लगेज देना है, बोर्डिंग करना है, बोर्डिंग पास लेकर के इमिग्रेशन काउंटर पर जाना होता है, ठीक है। इमिग्रेशन काउंटर पर भी कोई सवाल कुछ भी नहीं। हो सकता है मैं नया नहीं हूँ, पुराना होने की वजह, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 2 पासपोर्ट जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, एक नया वाला एक पुराना वाला, दो भी एक साथ जुड़ा हुआ है, इसको अलग नहीं करना है, ठीक है। ये ऐसे ही रखना है जब तक कि आप एक सफर फिर नहीं कर लेते ये दोनों के साथ में। तो दोनों पासपोर्ट था इसलिए मेरे से कोई सवाल नहीं किया, गया सीधा काउंटर पे, वहां पर इमिग्रेशन चेकअप हो गया, स्टाम्प लग गया, उसके बाद में मैं अंदर चला गया, ठीक है ना। अंदर जाने के बाद में थोड़ा सिक्योरिटी चेकिंग होता है। सिक्योरिटी चेकिंग में दोस्तों बहुत टफ है, हैदराबाद एयरपोर्ट में तो बहुत टफ तरीके से चेकिंग किया जा रहा है। जो आप हैंडबैग लेकर के जाते हैं 7 किलो वाला, तो उसमें जो है ना देख समझ करके सामान रखिएगा, लैटर लैटर मत लाइए, ममनू है, निकाल लेते हैं। और जो पावर बैंक, खास करके ये बात का ध्यान रखिए, जब आप ट्रे के अंदर कश्ती के अंदर जो आपका बैग रखते हैं, तो बैग के अंदर से जो भी इलेक्ट्रॉनिक की जो सामान होते हैं, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, ठीक है, वॉच हो गया, या रिंग वगैरह जो भी होता है, आपको अलग से ट्रे में रखना है, बैग के अंदर घुसेड़ के नहीं रखना है। मोबाइल पावर बैंक भी आपको बैग के अंदर नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। अगर आप बैग के अंदर ही रखोगे तो वो बार 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 आपका स्कैनिंग करता रहेगा। मेरे साथ चार मरतबा ये हुआ है, क्योंकि उसकी वजह ये थी दोस्तों, उसमें एक तो मेरा ट्राईपोर्ट था सिल्वर का, और दूसरी बात ये थी उसके अंदर एक क्या बोलते हैं यार, एयरफोन था। तो 2-3 मरतबा चेकिंग हुआ, उसके बाद में फिर बैग खोल के वो सब सामान निकाल के रख दिया वहाँ बाजू में, फिर बाद में स्कैनिंग हुआ तो डायरेक्ट वो चला गया। अगर वो उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो वो दूसरे काउंटर पे जाता है ताकि वो चेकिंग कर सके, फिर से वो भेज सके चेकिंग के लिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो भी हैंड कैरी लाते हैं, हैंड बैग लाते हैं, उसके अंदर जो भी सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक का सामान हो गया, जो भी ज्वेलरी वगैरह होता है, वो अलग से जो है एक ट्रे में रखिए, ताकि वो आसानी से वो लोगों को पता चल जाए, वरना आपको बहुत टाइम लग सकता है वहाँ पर। तो इस बात का ध्यान रखना है, और ज़्यादा कुछ मसला नहीं है। मेरे को कोरोना वैक्सीन के बारे में ना कुछ पूछा गया, ना मेरे को PCC का ज़रूरत पड़ा, ठीक है, किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ा। और ये एरिवल रजिस्ट्रेशन जो है, हो सकता है ये ज़रूरत पड़ती होगी, मुमकिन, ऐसा तो कोई सवाल मेरे साथ एयरपोर्ट में नहीं हुआ। जैसे मैं सऊदी पहुंचा, सऊदी पहुंचने के बाद में पहले क्या होता था सऊदी एयरपोर्ट में, सऊदी का जो रियाद का जो एयरपोर्ट है, किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर नए लोगों को अलग, पुराने लोगों को अलग काउंटर पे ले जाते थे, यानी जो छुट्टी जाकर वापस आते हैं वो लोगों के लिए अलग होता है, और नए लोग जाते हैं उनके लिए अलग होता है, क्योंकि उनका इमिग्रेशन वगैरह करना होता है ना, इसीलिए। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, सब काउंटर पे जो है, सब काउंटर पे काम हो रहा है, जल्दी जल्दी हो रहा है, और टाइम नहीं लग रहा है ज़्यादा, बिल्कुल टाइम नहीं लग रहा है, बिल्कुल एकदम फास्ट तरीके से हो रहा है। बस वो अपना पासपोर्ट देना होता है और ये फिंगर देना होता है वहाँ पर दोनों हाथ के, उसके बाद अपना फोटो लेंगे, फोटो लेने के बाद में ठप्पा लगा करके भेज देंगे। अब मेरा एंट्री का जो मेरे को एंट्री जो लगा है यहाँ पर, मैं आपको बताता हूँ, देखिएगा, पता नहीं वही है कि दूसरा है, मेरे को तो उतना क्लियर नहीं पता, मुमकिन हो सकता है यही है, तरीक मलिक खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट एंट्री। देखो मेरा एंट्री का स्टाम्प जो है ना कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ठीक है, ये एंट्री का स्टाम्प है काला वाला, ये लाल वाला जो है हो सकता है ये इंडिया में 1 मार्च 10 मार्च का, हाँ ये इंडिया का है और ये सऊदी का है, उधर से आउट इधर से इन, ठीक है ना।
तो एयरपोर्ट का कोई ज़्यादा मसला नहीं है, आराम से आप लोग आ सकते हैं। और मेरा वीज़ा का तो आपको पता ही है, मेरा वीज़ा बड़ा मुश्किल से लगा है। मेरा एग्जिट एंट्री का वीज़ा था, 3 महीने की छुट्टी लेकर गया था मैं, 14 महीने के बाद आया हूँ। 14 महीने में मेरे को 12 महीने ही छुट्टी था और 2 महीने मेरे को वीज़ा स्टाम्प करवाने में लग गए। पासपोर्ट भेज के 4 मरतबा पासपोर्ट वापिस आया, 5वीं मरतबा स्टाम्पिंग हुआ। इसी में मेरे को बहुत टाइम लेट हो गया, 2 महीना लेट हो गया, वरना मैं 2 महीना पहले ही सऊदी पहुंच जाता था। तो एयरपोर्ट में ऐसा कोई मसला नहीं है, बस जो लोग तंबाकू वगैरह लाते हैं, गुटखा तंबाकू लिमिट में लाइए, अनलिमिटेड लाओगे तो भैया आपका जो बड़ा लगेज होता है वो लगेज नीचे स्कैन होता है, ठीक है। आपको आप अगर ऊपर स्कैन नहीं करोगे, ऐसे ही जो है डाल दोगे ना, तो नीचे स्कैन होता है। अगर उसमें कुछ भी रहेगा, अगर आप पन्नी जो मारते ना पैकिंग के लिए, वो भी फाड़ के जो है वो लोग चेक करेंगे आपका बैग के इसमें अंदर है क्या, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ज़्यादा गुटखा वगैरह सिगरेट वगैरह ज़्यादा मत लाइए, लिमिट में लाइए। अनलिमिटेड लाओगे तो पकड़े जाने के चांसेस है, सऊदी अरब में आपको मुखालवा बैठ सकता है उस चीज़ का। सो ख्याल रखिएगा अपना, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट लेकर के। मां सलामा, अल्लाह हाफिज़।